Hello students, today we are going to start chapter 8, that is Applied Psychrometry and Heat Load Estimation, Anupriyukt Psychrometry तथा ऊष्मा भार का आकलन. और जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट. तो जैसा कि आपने चैप्टर 7 के एंड में देखा था, हम लोग एंथैल्पी वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए काफी टिपिकल सा एक फॉर्मूला आपका यूज करते हैं. अब साइकोमेट्री आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी जो मॉइस्ट एयर है या जो आपकी नम वायु होती है उसके जो हम गुणों का अध्ययन करते हैं यानी कि प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. तो इसके डिफरेंट टर्म्स अब आपको क्लियर हैं, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो. अब इन्हीं सारे टर्म्स को हम देखेंगे कि हम ग्राफ की हेल्प से कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये पहला जो फिगर है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आपका साइकोमेट्रिक चार्ट एक आपका दिखता है. ठीक है, तो इसमें जो पहला आपका फिगर है ये आपका है फिगर 1, ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि शुष्क बल्ब तापमान. तो अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइंस बनी हुई है. ठीक है, तो इसमें देखिए लगभग आपका जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान होता है वो -5 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. ठीक है, तो अब इसमें आप कोई भी पॉइंट ले ले, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं ए बी एंड सी. तो अगर ए पॉइंट पे कहीं भी इस लाइन में अगर कोई आपका एयर की प्रॉपर्टी होगी तो ए पॉइंट पे आप देख सकते हैं उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस. बी पॉइंट पे इसी तरह अगर हम चेक करें तो आ जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस. सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर आ जा रहा है वो आ जा रहा है आपका 20 डिग्री सेल्सियस. तो यानी कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये आपकी जो वर्टिकल लाइंस बनती हैं ये आपका सारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी शुष्क बल्ब तापमान बनाती हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं. अब इसी में देखिए, अब इससे पहले हमने वर्टिकल लाइंस देखी थी, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइंस यानी देखेंगे. तो इसमें देखिए क्षैतिज लाइन के लिए दोनों तरफ अलग अलग चीजें दे रखी हैं. यहाँ पे इस तरफ हमें दिया हुआ है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, सापेक्ष आर्द्रता या आर्द्रता का अनुपात. और इस तरफ हमें हमने जो ले रखा है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि ओसांग तापमान. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें जैसे ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी बताता है कि कितनी ह्यूमिडिटी यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है. ठीक है, कि कितना वाटर वेपर यानी जल वाष्प आपका एयर में प्रेजेंट है. तो देखिए ये वैल्यू आपकी जो है 0.002, 0.004, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करते हुए जा रही है और फाइनली आपका 0.024 यहां से ये वैल्यू आपकी वैल्यू कर रही है. तो अब जैसे हमने बताया था ये ह्यूमिडिटी आपका रेशियो यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ठीक है, उसी तरह से फिर इधर देख सकते हैं आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये -5, 0, 5, 10, 30 इसी तरह से करते करते 40, 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम हम लोग इसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को आपका देखते हैं. तो अब इसमें भी देखिए मैंने अलग अलग आपके पॉइंट्स ले रखे हैं ए बी और सी. तो जैसे आप देख सकते हैं ए पॉइंट है, फिर उसके बाद बी पॉइंट है, फिर आपका सी पॉइंट है. तो तीनों पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के लिए आपके 3 पॉइंट्स ले रखे हैं ए बी और सी. अब अगर कोई जो आपकी प्रॉपर्टी अगर हम ए पॉइंट से देख रहे हैं तो ए पॉइंट पे देखिए जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.004 और जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी ओसांग तापमान हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस. बी पॉइंट पे हम आ जाते हैं तो बी पॉइंट पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ रही है देख सकते हैं 0.008 और जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जा रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस. सी पॉइंट पे देखिए जो आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.010 और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जैसे हमने पहले ग्राफ में देखा था हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताती हैं, उसी तरह से हमारी जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन होती हैं वो एक तरफ हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बता रही हैं और दूसरी तरफ हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता रही हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं. अब नेक्स्ट आपकी देखिए ये आ जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता. तो हम देखते हैं कि कितना एयर में एक्चुअल में वाटर वेपर है, जल वाष्प है और सैचुरेशन पे यानी संतृप्ति पे कितना मैक्सिमम अबाम का हो सकता है. तो इसकी जो लाइंस बनी होती है देखिए इस तरह से कर्व्ड लाइंस बनी होती हैं. तो ये 10% से लेके 95% तक, यानी कि 10% का मतलब भी 90% और ह्यूमिडिटी उसमें क्या हो सकती है आपकी एड हो सकती है.
ठीक है, और 95% का मतलब है अब केवल 5% ह्यूमिडिटी केवल हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने एग्जांपल के लिए पॉइंट्स ले रखे हैं ए बी और सी। तो देखिए ए पॉइंट पे आपका 10%, बी पॉइंट पे 15% और सी पॉइंट पे 95%। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, यानी कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपकी कर्व्ड लाइंस होंगी, ठीक है, वो जो आपको बताएंगे उन पे परसेंटेज फॉर्म में आपकी वैल्यूज लिखी होगी, वो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग आ जाते हैं एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर। तो एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जो बनी होती है इंक्लाइंड लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, तो इंक्लाइंड लाइंस में इस तरह से बना होता है कि इंक्लाइंड लाइन में जो ये कर्व है यहाँ पे, ये कर्व हमें बता रहा है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जैसा अभी इससे पहले आपने देखा था इन्हीं पॉइंट्स पे हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलता है अगर हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाले पे देख सकते हैं आप कि अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि ओसांग तापमान। और मगर अब इनको हम कर्व्ड लाइन से जब जाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि आर्द्र बल्ब तापमान। तो इसमें भी देखिए एग्जांपल के लिए हमने ए बी सी पॉइंट्स ले रखे हैं। इसी में देखिए आगे फर्दर आपका एक स्केल ऑल बना होता है जिसमें आपकी एंथैल्पी है। ये एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप किलो जूल पर केजी में होती है। तो ये वैल्यू जीरो से शुरू होते हुए मैक्सिमम आपकी कहाँ तक है 90 तक है। तो अब देखिए सपोज करिए ए पॉइंट हमने लिया तो ए पॉइंट पे आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर यानी आर्द्र बल्ब तापमान है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और एंथैल्पी 10 किलो जूल पर केजी। उसी तरह से अब अगर हम आगे बढ़े बी पॉइंट पे आ जाएं तो बी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जब हम आएंगे सीधे तो जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस और लगभग 45 आपका किलो जूल पर केजी आपकी एंथैल्पी। इसी तरह से अगर हम सी पॉइंट पे जा रहे हैं तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर हमें 30 मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन अगर आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इससे आगे आ जाएगी। तो अगर ये 90 है तो मान लीजिए 92-93 किलो जूल पर केजी आपकी वैल्यू आपके सी पॉइंट पे एंथैल्पी की आपकी हो जाएगी। तो ये एक टाइप की आपकी इंक्लाइंड लाइंस होती हैं। फिर जब हम आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दूसरे टाइप की आपकी इंक्लाइंड लाइंस। ये जो दूसरे टाइप की आपकी इंक्लाइंड लाइंस हैं ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए होती हैं। ठीक है, तो पिछली वाली से अगर कंपेयर करेंगे तो इनका जो स्लोप होता है वो कम होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी के लिए जो लाइंस होती है उनका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है और आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जो आपकी लाइंस होती है उनका स्लोप आपका कम होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब पर केजी यानी कि वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं मास से। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए ये आपका स्टार्ट हो रहा है 0.7, 0.8, 0.82, 0.86, 0.88 तक आपका जा रहा है। तो ये वैल्यूज आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की हैं। तो ये कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी वैल्यू 0.82 आ जाएगी। ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी है 0.8, बी पॉइंट पे देख सकते हैं 0.86 और सी पॉइंट पे आपकी है 0.88। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वाले लास्ट फिगर में यानी कि फिगर 6 में हम सारी चीजें आपकी कंबाइन करके देख रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पे हमें सभी चीजों की वैल्यू आपकी देखनी होती है। तो जैसे हमने ये देखिए एक सेंटर पॉइंट ले लिया है, तो आप सेंटर पॉइंट से जो भी आप लेंगे यानी कि जो आपको क्वेश्चन में भी हो सकता है गिवन हो, ठीक है, तो उस पॉइंट से जब आप सीधे नीचे आएंगे यानी कि जैसा कि हमने पहले वाले ग्राफ में बात किया था, तो सीधे नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, वर्टिकली डाउन सीधे आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन पे आपका आएंगे, फिर इधर क्षैतिज की तरफ जाएंगे तो आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो दो तरह की लाइन होगी, एक ज्यादा स्लोप वाली लाइन पे जाएंगे तो उस पर वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी मिलेगी। कम वाले पे, ठीक है, तो ज्यादा वाले पे आपको ऊपर की तरफ जाना है और कम वाले पे आपको नीचे की तरफ आना है। ठीक है, इधर जब आएंगे तो आपको उसका ह्यूमिडिटी रेशियो यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, और जो कर्व्ड लाइन होगी यानी यहाँ पे कई सारी कर्व्ड लाइंस होंगी, तो जिस कर्व्ड लाइन पे या कर्व्ड लाइन के बीच में वो आ रहा होगा वो उसका आरएच यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर ये पॉइंट है तो सीधे नीचे आ रहे हैं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो ये 15 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ऊपर की तरफ 20 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर और फिर फर्दर ऊपर वाले स्केल पे जा रहे हैं तो 55 किलो जूल पर केजी आपकी एंथैल्पी की वैल्यू। जो आरएचएस पे बीचों बीच आ रहा है वो लगभग 55% आपका आरएच आ रहा है
जब इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.01 आ जा रही है और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, आगे हम लोग अभी और एग्जांपल से देखेंगे कि हम लोग जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो ये वैल्यूज किस तरह से आपकी चेंज होती है, इनमें किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।